योगी सरकार की पहली बड़ी भर्ती ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंस गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के 68,500 पदों के लिए हुई भर्ती की CBI जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच कमेटी सिर्फ संलिप्त अफसरों को बचाने के लिए बनाई गई थी, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार CBI जांच के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें आदेश देना पड़ रहा है। कोर्ट ने CBI को 6 महीने में जांच पूरी करने और इससे पहले 26 नवंबर को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में किसी अधिकारी की संलिप्तता आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने गुरुवार को भर्ती से जुड़ी दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी में रखा गया था उनके भी चयन पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया। सरकार की जांच कमेटी में 2 सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के ही हैं, जबकि उसी विभाग के अधिकारी जांच के दायरे में हैं। यह है मामला। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के 68,500 पदों पर भर्ती के लिए 27 मई को लिखित परीक्षा हुई थी। इसमें 1.7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 13 अगस्त को रिजल्ट घोषित हुआ तो उसमें 41,556 अभ्यर्थी ही पास हुआ। कई अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच 5 सितंबर को 38,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। सरकार ने कुछ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा, पिछले 20 साल से राज्य सरकार चयन बोर्ड या कमीशन की भर्ती में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय जांच कमेटियां बनती रहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने कहा, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की जांच में कोई आपराधिक आशय सामने नहीं आया था। सरकार दोनों ही भर्तियों में कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। नियुक्ति पत्र पा चुके अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।